पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देखिए, मैं मध्य प्रदेश के उज्जैन से यहाँ प्रभारी बनकर आया हूँ। 10 दिन लगभग हुए हैं। मैंने हर कार्यकर्ता फील्ड में जाकर मतदाताओं से, किसानों से बातचीत की। मुझे सब जगह जाने के बाद इस बात का निष्कर्ष पे पहुँचा हूँ कि मुरादा सीट किसी भी हालत में इस बार कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। उम्मीदवार कोई भी हो, लोग राहुल जी को देख रहे हैं, प्रियंका गांधी जी को देख रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जैसी युवा जोड़ी को देखकर लोग इस बार उत्तर प्रदेश के और मुरादाबाद के उनकी बहू के लिए मतदान करने वाले हैं। सर, विपक्ष पार्टी द्वारा नई नई योजनाएं निकाल कर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, तो आपकी पार्टी क्या करेगी? विपक्षी पार्टी की सिर्फ घोषणा है, अमल उसमें बिल्कुल नहीं हुआ है। आप कई मामलों में देखो तो हमारी योगी सरकार पूरी तरह फेल रही है, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, अन्य वर्गों की, हमारे जितने भी लोग हैं, पिछला वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो या व्यापारी वर्ग भी हो, जिस वर्ग में भी निराशा है, और सबका यही कहना है कि योगी सरकार को अनुभव नहीं है और वो पूरी तरह से नाकामी फेल है। हमारी पार्टी अगर केंद्र में सरकार में आएगी तो राहुल जी ने जो भी वादे किए हैं, चाहे किसानों के लिए किए, कर्ज माफी का मामला हो उसके लिए करेगी, GST हटाने की बात हो तो कम करके उनको राहत दी जाएगी, अन्य मामलों में भी हमारे युवाओं का, जो मोदी सरकार ने 2 करोड़ की घोषणा की थी लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। राहुल गांधी जी की अगर सरकार बनती है तो सबसे पहले युवाओं को छोटे उद्योग के माध्यम से जोड़ा जाएगा और हर गाँव, हर शहर में छोटे छोटे उद्योगों से रोजगार के साधन उत्पन्न कराए जाएंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। लगातार कभी समाजवादी पार्टी द्वारा गठबंधन भी किया गया है, तो क्या लगता है कि कहां तक ये गठबंधन सफल रहेगा? जनता के दिमाग में एक ही गठबंधन है, वो है हाथ का पंजा, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता कोई गठबंधन को इस बार वोट करने नहीं वाली है। आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव जी आम जनता में, माइनॉरिटी के लोगों को कहते, पूछो जब लोकसभा में बयान देते हैं तो कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री PM होना चाहिए। इनका दोहरा चरित्र और मुखड़ा जनता के सामने उजागर हो चुका है, इसलिए जनता समझ चुकी है, इसलिए कोई भी इनके बहकावे में ना आकर सिर्फ कांग्रेस को वोट देने वाले। निश्चित तौर पर हमारे देश में ये हमला, कि हमारे जो जवानों के साथ हुई घटना, उसकी मैं निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ और इसमें हमले में मोदी सरकार को भी कर घड़े में करता हूँ, क्योंकि मोदी सरकार की खुफिया एजेंसी क्या कर रही है। कई 56 का सीने वाले लोग जो अपनी बात करते थे, आज वो खुफिया एजेंसी के माध्यम से ये भी नहीं पता, सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा, हमारा सेना को सुरक्षा प्रदान नहीं, जवान को सुरक्षा प्रदान नहीं, तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकता है देश में। इसलिए ऐसी घटना की हम जितनी निंदा की जाए कम है और इसमें पूरा देश सब एकजुट है। सर, विपक्ष पार्टी का कहना ये राजनीति की वजह से हमला कराया गया है, लेकिन मोदी जी के राज में तो इसमें हमले हमेशा होते रहे हैं। अभी जनता को समझती है हमले कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। जब भी मोदी जी, अगर आपको ध्यान हो, गुजरात में भी मुख्यमंत्री थे तो पूरे देश में 125 करोड़ रुपये कभी जान का खतरा नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी को हमेशा जान का खतरा पैदा होता है। जब देश का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, वो खुद कहते हैं उनकी एजेंसी कि मोदी जी को जान को खतरा है, तो इसका 125 करोड़ की क्या गारंटी। सर, क्या अपील करना चाहेंगे देशवासियों? मैं ऐसी संकट की घड़ी में देशवासियों से संयम बरतने की अपील करता हूँ, आपसी भाईचारा बना रहे और जो भी ताकतें देश में नफरत फैलाकर सद्भाव बिगाड़ना चाहती है उससे सजग रहे, सतर्क रहे और उनके मंसूबे में उनको कामयाब ना होने दें। भारत की परंपरा सद्भाव की है, एकता की हमेशा बनी और बनी रहेगी, सब मिलकर भाईचारा कायम रखें, यही मेरी शुभकामना देशवासियों को है। सर, अभी शहीद जवानों को कांग्रेस पार्टी द्वारा कुछ फंड भी दिया गया है? देखिए, राहुल गांधी जी जब भी कोई शहीदों का मामला होता है, जिनमें अभी भी आपने देखा जाए उत्तर प्रदेश में जो शहीद हुए उनके परिवार से मिलने पहुँचे, किसानों की आत्महत्या का मामला तो उनके परिवार में राहुल जी निश्चित तौर पर मिलने पहुँचते, परिवार में जाकर ढांढस बंधाना, उनसे मिलना, ये कांग्रेस पार्टी की नीति है, ना कि मोदी सरकार की। मोदी सरकार अडानी अंबानी से गले मिलती है और राहुल गांधी किसानों से, मजदूरों